सुमति, अरे ओ सुमति, सुमति रे, क्या हुआ? तेरे बाबा के लिए मैंने आधी रात को ही खाना बना कर रख दिया है, जरा ठीक से डब्बे में भर दे। वही तो कर रही हूँ, बाबा को निकलने में अभी देरी है। देर कहाँ, अभी निकलना है, ला डब्बा दे। चलो बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे तू कहाँ चलेगी मेरे साथ, तुझे स्कूल नहीं जाना? नहीं। तो फिर घर में रहकर पढ़ाई कर, दादी के लिए चाय बना, हमारी गृहस्थी तो तू ही संभालती है बेटा। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगी। जाने दे बेटा, ले जा अपने साथ। सुमति, समुंदर को प्रणाम करना। सो तो मैं रोज ही करती हूँ दादी माँ। रोज ही समुंदर की पूजा करना, तेरे बाबा के लिए करना, जिससे उसे कोई संकट ना हो। एक दिन तेरे दादा अपने साथियों को लेकर सुबह समुंदर में गए और आज तक नहीं लौटे। 20 साल बीत गए, इस तरह कितने लोग समुंदर में खो जाते हैं। रहने दे माँ, पुरानी बातें दोहराकर क्या फायदा, उससे दुख बढ़ता है। चल बेटा। ये 3-4 बज जाएंगे। इतना समय लग जाएगा? जैसे तू कुछ जानती नहीं, इतना समय तो लग ही जाता है, हमारे आने जाने का कोई ठीक थोड़ी है। ऐसा क्यों? हमारा आना जाना ज्वार भाटा पर निर्भर करता है बेटा। भाटा के समय जब समुंदर का पानी समुंदर के बीचों बीच जाता है तब हम जाते हैं, और जब पानी को किनारा अपनी ओर खींचता है तब हम लौटते हैं। समुंदर में तुम कितनी दूर तक जाते हो बाबा? बहुत दूर। वहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। नीले रंग का पानी, नीला आसमान, मानो पानी में समा गया हो। बाबा, समुंदर से मेरे लिए सीपिया लाना। अरे तेरे लिए न जाने कितनी सीपिया ला कर दिया समुंदर से, तरह तरह के शंख, रंग बिरंगी बड़ी बड़ी सीपिया। तो क्या हुआ, और भी लाना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तेरे बापू नहीं लाए, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा तेरे लिए। अरे अच्छा बाबा, ले आऊंगा, आप तो घर जा, अभी पढ़ाई पूरी कर जा, और सुन दादी के काम में हाथ बटाना। मिलने के लिए टिकट थोड़ी खरीदते हैं हम लोग, नहीं मिले तो भी खरीदते हैं, ये भी एक तरह का नशा है। आज किस तरफ चलने की सोच रहे हो दादा? अब हवा पूरब से आ रही है तो पश्चिम को जाना ही ठीक रहेगा, वैसे ही पानी का बहाव कुछ खास तेज नहीं है। सो तो है, पर अभी तुरंत सब कुछ बदल सकता है, समुंदर का मिजाज मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हाँ अचानक सब कुछ बदल जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, न जाने कहां से आती है, हवा न चले तो अलग मुश्किल, अचानक आसमान पे बादल छा जाते हैं, ऐसी सूरत में मछली तो मिलती नहीं, ऊपर से लहरों से जूझो वो अलग।
लेकिन आज मौसम साफ नजर आ रहा है, हवा भी धीमी चल रही है। पश्चिम की ओर जाना ही ठीक रहेगा। उत्तर पश्चिम, मछलियां तिरछी होकर पश्चिम की ओर आएंगी। इंजन बंद करने को कहो, हम जाल यहीं तकेंगे। सीपियां ढूंढती रहती है, कोई अच्छी सुंदर सीपी मिल जाए तो समुद्र को प्रणाम भी करती है। इतनी देर लगा दी बेटा, मुझे तो चिंता होने लगी थी। जवार का इंतजार कर रहा था मां। सुमति, ओ सुमति, भी पहले कभी नहीं देखी। इसको गर्म पानी में सोडा डालकर थोड़ा रख दो, देखना कैसे रंग निखरता है। अच्छा, मैं इसे अंदर से साफ कर देता हूं। पहली बार देख रही हूँ। इस सीपी में मोती कैसे आया बाबा? सीपी में तो मिलता है मोती, पर हर सीपी में नहीं। हजारों सीपियों में ऐसी सीपी होती है जिसमें मोती मिलता है। वो शास्त्रों में कहते हैं ना कि स्वाति नक्षत्र के दिन अगर पानी की एक बूंद सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाता है। कहानी है सब। बेटा, इसकी कीमत कितनी होगी? क्या पता कितनी होगी। वैसे तो मोती सफेद रंग का होता है, ये तो रंगीन है। भावेश सुनार से पूछूंगा, सोने चांदी का कारोबार है उसका।
नहीं बाबा, इसे मत बेचो, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। तो क्या करेगी इसका? ये सब हम जैसे गरीबों के यहाँ नहीं जचता, ये तो मिनिस्टरों के घरों में मिलता है, उनकी बीवियां गले में हार बनाकर पहनती है। नहीं नहीं बाबा, नहीं दो, सीपियों के बीच पे रख कर मैं इसकी पूजा करूंगी। चली गई थी। आओ। ये देख। क्या है ये? मोती। क्या? मोती है मोती। मोती माने? कहते हैं ना, हीरा मोती, वही है। कहाँ से मिला? बाबा समुंदर से ये सीपी लाए थे, उसी के पेट में था ये मोती। ये बच्चे, ये स्कूल से आते ना आते क्या शुरू कर दिया है? जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, नहा धोकर खाना वाना खाओ, घर में सब सोच रहे होंगे। अरे बुद्धू लड़की, कितनी बार समझाया है तुझे कि मोती की बात किसी से न कहना, और एक तू है कि कहना तो क्या घर बुला बुला कर दिखा भी रही है। तो क्या हुआ? अरे ये पूछ कि क्या नहीं हुआ, कहाँ से मिला, कैसे मिला, कीमत क्या होगी, ये सब पूछ पूछ कर मोहल्ले वाले हमें घर में टिकने नहीं देंगे, ईर्ष्या से जल भुन जाएंगे सब के सब। इसमें जलने वाली क्या बात है दादी माँ? ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी, हर इंसान तेरी तरह सुमति वाला थोड़ा ही होता है, दुर्मति से भरा हुआ है देश। बना कुछ मान ले आया था, चलेगा निकालो क्या? अबे पहले दरवाजा तो बंद कर, जब देखो तंबू उठाए चला आता है, हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है ना, मरेगा जिस दिन पुलिस के हाथ लगेगा ना, मार 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 के। अरे दादा देर रात आने से लोग ज्यादा शक करेंगे, शाम के वक्त भीड़ के साथ साथ हम भी चले आए। ला निकल, क्या लाया है? कहाँ का माल है?
कड़कपुर का। वजनदार है, खुद ही देख लो। सर है, कोई खून खराबा तो नहीं किया ना? अरे ना दादा, जहां डांटने से काम चल जाए वहां खून खराबे की क्या जरूरत। देखो अब तुम्हारा कुल मिला के हुआ 2 तोला है, अब इसमें से खाद वाद बाद देने के बाद में तुम्हारा निकला 2000 रुपया। क्या 2 तोले का सिर्फ 2000? इतना भी गला मत काटो दादा। अभी देखो ये हमको जो बोलना था वो हम बोल दिया है, तो अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं तो चलो रास्ता ना पो। अबे ये सब जिम्मेदारी किसका है रे? जिम्मेदारी? हाँ जिम्मेदारी, तुम तो मेरे माथा पे मड़ के चला जाएगा कल को, ये थाना पुलिस पंचायत ये सबका जवाबदारी कौन करेगा रे? है 2000 इनको कम पड़ रहा है, ये ले, ये 200 रुपया और ले। अच्छा जाइए सर, भाग गया। ए नरेश, नरेश। अरे नरेश दादा, ये सब माल गला के इसका सोना निकाल लो है, ठीक है? अरे तुम लोग अभी तक खड़ा है, रुपया गिनना भूल गया क्या? अरे हमको और भी काम है, जाओ भाई जाओ। ए नरेश दादा, जरा बाहर का दरवाजा बंद कर दो तो मैं खाना खा के आता हूं। ललिता ने खाना खाया? हाँ, खा पीकर सो रही है। अच्छा। न जाने कैसी उटपटंग बातें करती रहती है आजकल। उटपटंग? लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है। क्यों, क्या कह रही थी? कहा ना उल्टा सीधा क्या क्या बकती रहती है। ये जो अपना महादेव है ना। कौन महादेव? अरे वही जो टेलर लेकर मछली मारने जाता है। कह रही थी उसने अपनी बेटी सुमति को न जाने कैसे सीपी लाकर दिया है, जिसके अंदर से ये इतना बड़ा मोती मिला है। ललिता को कैसे पता चला? अरे अपनी ललिता और सुमति दोनों एक साथ पढ़ती है कि नहीं, सुमति ने उसे अपने घर में बुलाकर दिखाया है। कह रही थी नारंगी रंग का ये इतना बड़ा मोती है। वैसे मैंने जहां तक सुना है मोती तो सफेद रंग का ही होता है ना? नहीं नहीं, रंगीन मोती भी होता है मगर बहुत कम मिलता है, इसीलिए बड़ा महंगा भी होता है। मगर ये सब किस्से कहानियों की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं से कांच वांच का टुकड़ा ला के बिटिया को दे दिया होगा और बिटिया जो है उसे सच समझ बैठी है। हैं? अरे मेरे लिए खड़ी है तू? हाँ। स्कूल नहीं गई? स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई, दीदी लोगों का मीटिंग है ना आज। बाबा जानते हो ये ललिता इतनी शरारती है कि उसने मोती वाली बात स्कूल में सबसे कह दी और अब सब मोती देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, दिखाने का खाना नहीं। अरे तूने तो अच्छा बखेड़ा खड़ा कर दिया, अरे ललिता को दिखाने की क्या जरूरत थी? हमारे घर जो है सो है, सबको कहते फिरना जरूरी है क्या? क्यों, कहने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, चल। क्या बात है दादा, आप कब आए? बस कुछ ही देर पहले। तुम आने कहा कि तुम्हें लौटने में टाइम लगेगा, तो मैं चलो यूं ही बैठ जाते हैं। वैसे भी दुकान में कोई बिक्री बट्टा आजकल है नहीं। अच्छा महादेव, सुना है कि समंदर से तुम्हें एक मोती मिला है। दिखाओगे? नहीं। हाँ हाँ जरूर। अरे भाई पसंद आ गया तो खरीद भी सकते हैं। नहीं, मैं अपना मोती नहीं बेचने दूंगी। देखो बेटा, ऐसी चीजें घर में नहीं रखा करते हैं। देखो चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, न जाने कब कौन सी मुसीबत आ जाए। मुसीबत? क्यों आएगी मुसीबत, मैं तो रोज उस मोती की पूजा करती हूँ। पूजा? बेटे मैं तुम्हारी पूजा के लिए शिव जी की एक मूर्त बनवा दूंगा। अब देखो ये जो चोर डाकू बदमाश हैं, ये भला पूजा पाठ क्या जाने है? तुमने सुना नहीं आजकल तो मंदिरों से भी गहने और जेवर चुरा ले रहे हैं लोग। अच्छा एक काम कर, पहली बार ला के दिखा दो सही। जा बेटी ले आ। अरे देखना ही तो चाहते हैं, लाकर दिखा दे। जा जा बेटा जा। दादा वो मोती मैंने सुमति के लिए लाकर दिया था। अच्छा। हाँ वो उसका जो जी चाहे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, पहले देख तो लेने दो, उसके बाद में सोचेंगे। अच्छा
भी मोती, पिंक पर्ल, सिर्फ सुना ही था, कभी देखा नहीं। समंदर, समंदर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ रही है। ले बेटा, इसे फूंक कर अपने कानों से लगाकर सुन, समंदर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ेगी। ले। की आवाज नहीं तो मुझे तो समुंदर का संगीत सुनाई दे रहा है। दत्त पगली लड़की, समुंदर गाता थोड़ी ही है, वो तो सिर्फ गरजता है, गरजता। महादेव, मैं तो सुनार आदमी हूं, सोने चांदी का कारोबार करता हूं, ये हीरे मोती मैं नहीं पहचानता, फिर भी मैं तुझे नगद 20,000 देने को तैयार हूं। 20,000? ये मोती मुझे दे दे। नहीं बाबा, नहीं, मैं ये मोती बेचने नहीं दूंगी। मान जा बेटी, मुसीबत मत मोल ले। महादेव, 20,000 अगर 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में रखोगे तो वो हो जाएंगे 40,000, और तब तक सुमति भी सियानी हो जाएगी, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह के लिए तुम्हें पैसे चाहिए ना। नहीं, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। और दादा वो नहीं बेचना चाहती, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा था, अब आगे तेरी मर्जी। मैंने लॉटरी का नतीजा निकलाया है, मेरे तो बस थोड़े से नंबर के लिए रह गया। तुम अपना टिकट निकालो जरा, देखे तो सही। चल अंदर। कितना नंबर बताया दादा? मेरा नंबर है K8675। K8675। ठहरो ठहरो, देखने दो। K8675। फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, सेकंड प्राइज। कितना नंबर बताया आपने? K86795। K86795। लग गई, लग गई दादा, लॉटरी लग गई, सेकंड प्राइस 3 जनों को मिला है। देखो देखो, ये लिखा है, ये देखो दादा, यानी कि 3 जनों में बांट कर 25,000 रुपए एक को। दादा आपने तो कमाल कर दिया। अरे सुमति, अरे ओ सुमति, तेरी दादी को बुला जल्दी से। क्यों? अरे बुला तो। दादी माँ, 30,000 रुपए। माँ जी क्या खिलाइएगा, लॉटरी लग गई है, लॉटरी, वो भी पूरे 25,000 रुपए की। महादेव सच है बेटा? हाँ माँ, मेरे टिकट के नंबर से अखबार का नंबर मिल गया है। चलो दादा कलकत्ता चलते हैं रुपये लेने के लिए। ये सब मेरे मोती का वरदान है।
मैं सोने जा रहा हूं। कलकत्ते जाना आना क्या कम झंझट है? सारा बदन अखड़ गया, सारे रास्ते बस में खड़ा खड़ा गया और खड़ा खड़ा आया। और 25,000 रुपए जो मिले? हाँ वो तो मिले, और पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए रख दूं तो 50,000 हो जाएंगे। और तब तक सुमति बिटिया भी ब्याहने लायक हो जाएगी। नहीं नहीं माँ, इतनी कम उम्र में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, और वैसे भी 18 साल से कम उम्र में शादी करना कानून मना है। वो पढ़ेगी माँ? मुझे तो पढ़ने का मौका मिला नहीं, बचपन से घर गृहस्थी का बोझ कंधों पर आ बैठा। वो पढ़ेगी माँ? मैं सोने जा रहा हूं। बाबा? सुनते के बाबा है ना? कौन? अरे वो मिल हमारे महादेशवा का। अच्छा अच्छा, पता है उनके नाम लॉटरी एंट्री है। अच्छा, किसने कहा तुझसे? लो तुमने सुना ही नहीं, सारे मोहल्ले में हल्ला है। नहीं तो? सुमति कहती है ये सब कुछ उस मोती का वरदान है। हाँ हो भी सकता है, ये मणि मुक्ता जो है ना, ये तो इंसान का नसीब ही पलट देता है। देखती नहीं लोग तरह तरह के पत्थरों की अंगूठियां बनवाकर पहनते हैं, कहते हैं ग्रह नक्षत्रों के साथ संबंध है इन पत्थरों का। सुनते क्या, एक बार जाओ बाबा। हाँ हाँ बेटी जा, और सुन ये सुमति के साथ में दोस्ती बनाए रखना। हाँ दोस्ती बनाए रखना क्या, दोनों स्कूल में एक साथ ही तो पढ़ती है, दोस्त है ही, कितना प्यार करती है उनसे। जानते हो बाबा, स्कूल की पढ़ाई लिखाई में पहले वो इतने अच्छे नहीं थे, पर आजकल अचानक पढ़ाई लिखाई में तेज हो गई और सारा कुछ मानो से याद हो गया। जा बेटी जा, सुमति के घर में जा और जाके देख के क्या क्या हो रहा है, है? जा। एक बार मेरे हाथ में भी दे दे बेटी, जरा अच्छी तरह से देख लो। अरे ये तो कमल मोती है, देवराज इंद्र के गले में शोभता है, बहुत ही शुभ होता है। जरा मुझे भी दिखाओ भाई, वाह कितना सुंदर है। ये लो, दिखाओ मुझे। भला इसकी कीमत हम कैसे बताएंगे, जिंदगी में कभी देखा हो तब ना इसकी कीमत बता सकेंगे। मुझे भी देखने दो, वाह इतना सुंदर है ये। बहुत हो गया, अब तुम लोग जाओ। चलो चलो, ये मोती चाहे कितना भी कीमती हो हम इसे नहीं बेचेंगे, ये सुमति की किस्मत में था, नसीब में था, वो उसे मिल गया। जा सुमति अंदर जा, तू इसे लेके चल। चलो चलो महादेव। हाँ क्या है? सुना है तेरे नाम लॉटरी निकली है। हाँ तो क्या, 1,00,000 रुपया तो मिला ही होगा। 1,00,000 नहीं 25,000, वो भी क्या कम होता है, कभी जरूरत पड़ी तो आऊंगा। हाँ ना तब देखा जाएगा, चलो जाओ जाओ जाओ। अभी क्या घर है, घर है या सब्जी मंडी है? जाओ जाओ, जैसे बाहर कितने लोग खड़े हैं, कमल मोती मोती देखने चले आए सब लोग। बाहर जाओ बाहर जाओ, चलो जा बेटी ललिता अंदर जा। कमार झट कही गए, कोई काम धंधा नहीं क्या, सारे दिन मोती दिखाओ मोती दिखाओ मोती दिखाओ। Thank you.
बंगाल की खाड़ी में गुलाबी मोती। सुमती, ओ सुमती, क्या हुआ बाबा? देख बेटा क्या लिखा है। क्या लिखा है? तेरी मोती वाली बात छाप दी इन लोगों ने, अब तो परेशानी और भी बढ़ेगी। ये तो लॉटरी, ऊपर से ये मोती, दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, आस पड़ोस वाले जलने लगेंगे। ये दो दिन की बात है बेटा, अभी हल्ला मचाएंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में गुलाबी मोती, सर मालूम है। आइए आइए, आपको कौन नहीं पहचानता सर। राइटर से खबर मिली है कि आपको समुद्र में से एक पिंक मोती मिला है। हाँ सर सही है। समुद्र में किस जगह? समुद्र में तालाब थोड़ी है साहब, जो झट से बता दोगे यहीं पर है। देखिए ऐसा कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ेगा। अब तो साहब इस तरह बता पाना तो मुश्किल है, आपको एक काम करना होगा, हमारे साथ बीच समंदर चलिए, एक तीन चार मील का इलाका है वो दिखा दूंगा। क्या कहा? बीच समुद्र में तुम्हारे साथ, वो भी उस टूटे फूटे ट्रॉलर में चढ़ के बीच समुद्र में जाऊंगा मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे आप मोटा मोटी कुछ कहिए ना, मैं रिपोर्ट तैयार करके भेज देता हूँ। तो सर आप मेरे साथ दफ्तर चलिए, वहां और भी लोग हैं, वो लोग शायद आपको सही मालूम दे सके। माँ अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मेरी मोती को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है और मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ तेरे यहाँ लोग दिन रात ढील लगाए हैं, पता नहीं क्या खास बात है तेरी मोती में, बस एक छोटी सी सुंदर सी चीज है यही ना? हाँ बहुत सुंदर, मुझे तो ऐसा लगता है मैं उसको हमेशा देखते ही रहा हूँ। इसीलिए तो मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ, दादी माँ कहते हैं कि हर सुंदर चीज की पूजा करनी चाहिए। पता है मेरे बाबा कहते हैं कि इस जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, मैंने भी दादी माँ से सुना था, कहते हैं ये मंदिर डकैतों ने बनवाया था, डकैती करने से पहले वे लोग इसकी पूजा करते थे, काली मंदिर है। अरे ये सब तो समझ गई, पर मंदिर है कहाँ? चारों तरफ तो केवल जंगल ही जंगल है। चलेगी चलकर देखिए कि मंदिर है कहाँ। इस जंगल में क्या कर रहा है? छोटे बच्चे जंगल में नहीं आया करते, जानते नहीं हो कि जंगल में कितनी तरह की मुसीबतें हो सकती है। फिर से तेरे पास आना पड़ा, वही मोती, क्या सोचा है? अब और क्या सोचना दादा, मोती 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 ना हुआ, फसाद खड़ा हो गया। ये तो लोगों की भीड़, ऊपर से झंझट झमेला सो अलग, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया दादा। अरे जिसके कारण ये सब झंझट हो उसे तो उठा के फेंक देना चाहिए, क्यों है कि नहीं? मैं तो यही चाहता हूं दादा, लेकिन मेरी बेटी दिन रात उस मोती को अपने पास रखती है, उसे नहलाती है, उसकी पूजा भी करती है। बच्ची है उसका क्या है, दो चार दिन में सब भूल जाएगी। महादेव तुम एक काम करो, मैं तुमको बड़ा बाजार से बिल्कुल वैसा मोती ला के दूंगा, उस मोती के साथ बदल देना, बिटिया को पता भी नहीं चलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं, अपनी बेटी के साथ धोखा करूंगा? देख महादेव, पहले मैंने तुम्हें इस मोती के बारे में 20,000 कहा था, लेकिन अब मैं 25,000 देने को तैयार हूं। तब तो लगता है ये मोती बहुत कीमती होगा। हाँ हाँ महंगा तो है ही, नहीं तो क्या ऐसे ही मैं तुम्हें इतना दाम दे रहा हूं। मगर एक बात है महादेव, जब तक के मोती को सोने में जड़ के जेवर ना बनाया जाए
तब तक वो महंगा नहीं होता है। और देखो ना, अब मुझे क्या बचेगा, यही कोई 2-1 हजार रुपया और क्या। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया दादा कि ये मोती मैं बेचूंगा नहीं ना। बेटी को दे दिया है, अब वो जो मर्जी मैं करे। महादेव, बेटी मेरी भी है, लेकिन मैं उसके इशारे पे नहीं नाचता हूं। पर मैं अपनी बेटी की बात मानता हूं। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया महादेव, 25 हजार। आगे तेरी मर्जी। माफ कर दीजिए दादा। डॉक्टर संतोष बासु, ओशियनोग्राफर, मैरीन बायोलॉजिस्ट, मतलब समुद्र और समुद्र में रहने वाले प्राणियों के विशेषज्ञ, तुमसे मिलना चाहते हैं। कहिए। ये ओस्टर जाने सीपी तुम्हें कहां से मिली? समुद्र के बीच में, किनारे से लगभग कितनी दूरी पर? यही कोई 20-25 मील। चलो एक बार मैं भी देखाऊं वो जगह। चलिए। बंगाल की खाड़ी में मिला है ये मोती, इट्स अ वेरी रेयर फेनोमेनन। चलो आओ। लगभग ये जगह, यहां पर समुद्र कितना गहरा होगा? नाप के तो नहीं देखा, होगा ये 500,000 फुट। इतने गहरे पानी में ऑयस्टर का मिलना संभव नहीं है, आमतौर पर नहीं मिलते इतने गहरे पानी में। हाँ, अगर समुद्र के नीचे पहाड़ वहाड़ हो तो अलग बात है। ऑयस्टर हमेशा कोनल की तरह कॉलोनी बनाकर यानी इकट्ठा रहता है एक साथ, और ये आइलैंड के पास मिलते हैं पानी के नीचे करीब 20-25 फीट गहराई में। लेकिन यहां पानी तो काफी गहरा है, किसी पहाड़ का होना भी संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो क्रॉस करंट होता, ब्रेकर दिखते, कोई गोताखोर को भेज दीजिए इधर। इतनी गहराई में गोताखोरों को भेजने लायक मशीन हमारे पास नहीं है, और फिर साख भी भरे पड़े हुए हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। देखो, फिलहाल मैं जहां तक समझता हूं वो मोती कहीं से छिटक विटक कर यहां आ गई है। फिर भी मैं वाइजक के ओशन अरब इंस्टीट्यूट से बात करूंगा, उन लोगों ने हमारे कोस्टल लाइन को लेकर काफी रिसर्च किया है, देखो उनकी क्या राय है। लो बाबू, बोल रही हो ठीक है या नहीं? अरे भाई सब ठीक है, चल बाद में देखेंगे, दिमाग ठीक नहीं है, जा। क्या बात है, हम लोगों को बुलवा भेजा था? अरे नवाब की औलाद, तुम लोगों को 3 दिन पहले बुलाया था और आज तुम लोगों को आने का टाइम मिलता है? क्या करता दादा, हमारा काम धंधा भी तो कुछ है, सिर्फ आपके भरोसे बैठे रहने से चलेगा? बकवास बंद कर, मेरी वजह से तुम लोगों का काम धंधा चलता है, नहीं तो पुलिस का मार खा के मरता था, समझा? बड़ा काम दिखाता है। जाने भी दो दादा, कुछ काम है क्या? 5,000 कमाना है तो बोल। 5,000? हाँ हाँ 5,000। काम क्या है? मर्डर वर्डर होने से नहीं होगा हमसे, चाहे 10 दो चाहे 20। अरे ओ मर्डर के बच्चे, मैं खून खराबा नहीं करता हूं। वो मैंने इसलिए बुलाया कि वो अपना मछुआरा है ना, क्या नाम है, महादेव, उसने समंदर से एक मोती लाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे वो मोती चाहिए, मैं 5,000 दूंगा। यहां महादेव बाबू का मकान कौन सा है? उस तरफ सीधा,
सीधा। गया है तो मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या रोटी बनाई है? रोज कोई ना कोई। आइए। मेरा नाम नंदू अग्रवाल है। कलकत्ते के न्यू मार्केट में मेरा एक हीरा मोती का दुकान है। मोती के लिए आया ना? हाँ, पेपर में देखा कि आपको एक पिंक पर्ल मिला है। सही है, पर वो मोती बिकाऊ नहीं है। ठीक है, आपकी चीज है, आप अगर बेचना नहीं चाहते तो इसमें कोई क्या कर सकता है। पर क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूं? सुमती, जरा मोती लाना बेटा। लीजिए, देखिए। ज्यादा बात नहीं करता, पर इस मोती के मैं आपको 1,00,000 रुपया दे सकता हूं। एक लाख? हां, मैं कल ही अपने आदमी के साथ 1,00,000 रुपया भिजवा दूंगा नगद। जरा बैठिए, मैं बैठिए। ये तो उस मोती के लिए 1,00,000 रुपये देने को राजी हो गया। दीदी बेटा दे दे, अब और कुछ मत सोच। लॉटरी में मिले 25,000 के साथ ये 1,00,000 मिलकर हो जाएंगे 1,25,000। हाँ, और पोस्ट ऑफिस में 5 साल रखें तो 2,50,000 रुपए हो जाएंगे। भविष्य के लिए फिर तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। सुमति की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सब कुछ इसी से हो जाएगा। क्या सचमुच मोती बेच दोगे? सुन, मान जा बेटी। अरे भविष्य नाम की भी तो कोई चीज है। मैंने सपने में देखा है कि उस मोती में से गुलाबी सी रोशनी निकलकर मेरे चारों ओर तैर रही हो और मुझसे कह रही हो कि तुम्हारा सब कुछ भला होगा। सुन, मेरी बात सुन, देख मेरी तरफ। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी बेटी को दुख हो, समझी? मैं 15,000-20,000 रुपया और बढ़ा सकता हूं। अगर इरादा बदले तो मुझे खबर कर दीजिएगा। यह रहा मेरा कार्ड। अच्छा जी, Thank you.
कबूतर ज्यादा देर नहीं उड़ सकते। चल चल, नहीं तो नहीं मिलेंगे। समझा? अकेले आना, समझा? फिर से
साथ ले आने पर तुझे तेरी बेटी नहीं मिलेगी। बेटा सुमति भी अभी तक नहीं आई, न जाने कहां रह गई ये लड़की, इतनी देर तो कभी नहीं लगाती। पहुंचाया उसे, ला मोती निकाल। पहले मेरी बेटी को ले आओ। देख लफड़े में पड़ जाएगा, कह रहा हूं कि मोती निकाल, कह रहा हूं कि मोती निकाल। सीधे चला जा, मिल जाएगी तेरी बेटी। जा सुमति, सुमति, सुमति। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं बेटा। मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ गया बेटा।
गया हूं ना। कोई बात नहीं, कोई डर नहीं। फूल जैसी बच्ची को कैसे कमीने लोग हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चल बेटा, चल बेटा, घर चलते। हाँ बेटा, रोती नहीं बेटा, चल। बात है, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा था। बाबा, बाबा, बाबा। नहीं बच्चा, नहीं, 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 कुछ नहीं हुआ। तुम मत डरो, तुम मत डरो, कुछ नहीं हुआ। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या रहे, ये भूतों की तरह क्या शक्ल बना के रखी है? अरे ये सब भी कभी कभी करना पड़ता है। अरे तो कभी कभी करना पड़ता है, यहाँ जो बच्चा डर गया उसका क्या होगा? देख लो, यही है ना। मिलेगा बेटा, मिलेगा रुपया, घबराता काहे को है? वाह ये है ना। जय हो। अरे क्या होगा, मुझे मेरी बेटी मिल गई वही बहुत है। नसीब से वो मोती मिला ही क्यों, और मिला तो छीना क्यों? किस्मत, नसीब, ये सब लेकर बैठे रहने से काम नहीं चलता। मोती को फिर से हासिल करने के लिए तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे इलाके का आदमी होगा तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। मेरे ख्याल से एक बार थाने में चलकर खबर करनी चाहिए, इधर कौन कौन लोग छीना झपटी कर रहे हैं। अरे कम से कम ये तो पता करो। अरे नारे भाई ना, वो थाना पुलिस हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, उल्टा हम ही फंस जाएंगे। कहां से मिला मोती, तुम्ही ने चुराया होगा, यही सब। मिट्टी के लिए दुख होता है, मोती के लिए सारा दिन रोती रहती है बेचारी। सुमति, अरे ओ सुमति बेटिया, रानी बेटिया, उठ जा बेटी, उठ जा। अरे लेटे लेटे रोने से चलेगा? सुबह से कुछ खाया भी नहीं। आ कुछ खा ले, स्कूल भी तो जाना है। उठ बेटी, रानी बेटिया, उठ जा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा? अरे बाबा,
बहुत तेज बुखार है, जल्दी जाओ डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं तुम लोग इसको पट्टी लगाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। देखो मेरे मैं आता हूँ। क्या हो गया? सुबह तो सब कुछ ठीक ही था, अचानक ही क्या हो गया पता नहीं। भगवान ये डॉक्टर साहब इतने दूर में रहते, हे भगवान मेरी बच्ची को कहीं कुछ हो ना जाए। बुखार में स्कूल जाना जरूरी नहीं है। बुखार तो एकदम उतर गया लगता है। ठीक हूँ माँ। फिर तुझे क्या हो गया था बेटी? पता नहीं आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया और सर चकराने लगा। हाय मेरी बच्ची, भवेश सुनार की टांग टूट गई है, शरीर से एकदम लाचार हो गया है, यही मौका है, समझा? जिंदगी भर हमको ठगता आया है बदमाश, इतना इतना सोने का जेवर ला करके दिया पर कभी इसका आधा दाम भी नहीं मिला, और चांदी की चीज वो तो पलट कर देखता भी नहीं। अब उसकी दुकान पर हमला करेंगे, सारा माल हथिया के सीधे कलकत्ता। भूतन का एक नया किताब खरीदना है। ये जो दो आदमी है ना, यही हमारे घर मुखौटा पहन कर आए थे। माला मुखौटा? हाँ। तुम लोग घर जाओ, मैं समुद्र के किनारे जा रही हूँ। वही दो बदमाश जो मुझको पकड़ कर ले गए थे, जंगल के किनारे जो चाय की दुकान है वहीं बस चाय पी रहे हैं। चलो सब लोग आज उनकी हड्डी पसली एक करते हैं। अरे बबुल हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। चलो चलो, तेरे हिस्से कितने रुपए हुए? जितना तेरा। मेरा यही कोई 40,000 हुए हैं। मेरा भी। और सुन, अब कोई नई जगह खोजनी पड़ेगी। सोफी उस जाओ, आओ तुम आओ, आओ मेरे साथ।
अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, क्लाइमेक्स नहीं रखेगा। वो तेरे को ट्रॉलर में लेके चलता हूँ बीच समुद्र में, हांगर से बोटी दुचवाऊंगा तेरी। चल चल बोल मोदी का, मुझे नहीं मालूम। चल मुझे नहीं मालूम, लेके चल। विश्वास मुझे माफ कर दो, फिर कभी इस इलाके में दिखाई दिया ना तो बीच समुद्र में ले जाऊंगा। चल उठवा लिया, उसका मोती छीन लिया, इसकी सजा तुझे मिल गई है मुझे महादेव। अरे कहाँ हो? अरे ये वो तिजोरी से मोती निकाल के दे दो महादेव को। ग्रह नक्षत्रों का खेल देखा महादेव, सबको सहन नहीं होता बड़ी मुक्ता। शनि महाराज की बुरी नजर लग जाती है और ठीक वही हुआ मेरे साथ। जिस दिन से मोती घर लाया हूँ पैर तोड़कर बिस्तर पे पड़ा हूँ, न जाने कौन सा रोग मेरी बच्ची को लग गया और उसके ऊपर मेरे कारीगर मेरे दुकान का आधा सोना लेकर भाग गए। देखा महादेव। अरे दादा इसकी बेकार की बातें मत सुनो, लगाओ दो तीन हाथी से। फिर शर्म नहीं आती तुझे? तेरी बेटी ललिता सुमति की सहेली है, दोनों एक साथ खेलते हैं एक साथ पढ़ते हैं, कितना प्यार है उन दोनों में। और तूने सुमति को होने से, तुझे तो समुद्र में के मर जाना चाहिए। अब डूबेगा भी ना तो समुद्र को शर्म आएगी। लीजिए। लालच लोप खाते हैं, सिर्फ मेहनत की कमाई खाते हैं। हम
सुख चैन और शांति से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा रही हूं, तुम इसे वापस ले लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखा जाएगा, मुसीबत आई तो उसका सामना भी करेंगे। चलो